रांची में मिली एक तरफा हार, जिसके बाद अब युवा ब्रिगेड के सामने है सीरीज बचाने की चुनौती। खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में किविस ने किया है शानदार आगाज। दूसरी तरफ सीरीज में बने रहने के लिए पांड्या की पलटन को करना होगा पलटवार। यहां से एक गलती भी पड़ सकती है टीम इंडिया पर भारी, और हार्दिक की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया पर मंडराने लगा है सीरीज हारने का खतरा। ऐसे में सीरीज बचाने के लिए किए जा सकते हैं बड़े और बोल्ड फैसले, जिसके चलते दो नामों के सिलेक्शन पर लटक रही है तलवार। तो आखिर दूसरे T20 में किन दो खिलाड़ियों को हार्दिक पांड्या करेंगे टीम से बाहर, और उनकी जगह पर कौन मारेगा एंट्री? इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का कारवा लखनऊ पहुंच गया है, जहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को दूसरा T20 मुकाबला होना है। पहले मैच में मेहमानों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए भारत को 21 रनों के अच्छे मार्जिन से हराया है और सीरीज में एक बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में एक और जीत से न्यूजीलैंड सीरीज को अपने कब्जे में कर सकती है। वहीं भारतीय टीम मेहमानों को ऐसा करने से हर हाल में रोकना चाहेगी। अभी तक T20 टीम की कमान संभाल रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में अविजित रहे हैं। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने इसी न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में T20 सीरीज में धूल चटाई थी, लेकिन ब्लैक कैप्स अपने घर पर मिली हार का बदला उसी अंदाज में लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। जहां भारत को अपने घर पर हराना विदेशी टीमों के लिए एक मुश्किल चुनौती रहती है, वहीं पर न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर एक बड़ी सीरीज जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड को रोकने और सीरीज में बने रहने के लिए भारत के लिए दूसरा T20 मैच करो या मरो का हिसाब का बन गया है, जहां एक खराब मैच भारत की सीरीज हार की कहानी लिख सकती है। ऐसे में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया पर फिलहाल दबाव काफी बन गया है। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया कई विभागों में बुरी तरह फेल हुई, फिर चाहे वो टॉप ऑर्डर की नाकामी रही हो या फिर तेज गेंदबाजों का फ्लॉप होना, जहां खुद हार्दिक ने 3 ओवर में 33 रन लुटा दिए, उमरान ने 1 ओवर में 16 रन खाए, तो वहीं अर्शदीप सिंह और नो बॉल का नाता टीम मैनेजमेंट की सिरदर्दी बन चुकी है। और अब इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए और साथ ही सीरीज में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट कुछ बड़े बदलावों की तरफ जाने पर मजबूर हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक हार से शायद भारत होलसेल बदलाव नहीं करना चाहेगा, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में दो नामों की छुट्टी तय लग रही है। लगातार 4 मुकाबलों में सलामी बल्लेबाजी का मौका मिलने के बावजूद शुभमन गिल ने T20 फॉर्मेट में निराश किया है। वनडे में उनके काबिलियत के आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में गिल का बल्ला कुछ खास कमाल करने में कामयाब हुआ नहीं है। ऐसे में टीम के हित में सोचते हुए भारतीय कप्तान को अपने चहेते खिलाड़ी को बाहर बैठाने पर मजबूर होना पड़ सकता है, और गिल की जगह विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह को दूसरे T20 में शामिल किया जा सकता है। डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे पृथ्वी का खेलने का अंदाज T20 फॉर्मेट में हूबहू सेट करता है, और अगर ये बल्लेबाज अपने रंग में रहा तो बड़े से बड़े गेंदबाजी यूनिट को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ IPL में पंजाब के लिए खेलते हुए सभी को इम्प्रेस कर चुके जितेश शर्मा का भी एक विकल्प मौजूद है, जिसे टीम मैनेजमेंट लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह की जगह मुकेश कुमार को भी डेब्यू का मौका दिया जा सकता है। मुकेश को IPL खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इस गेंदबाज ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 नवाबों के शहर लखनऊ में होना है, और ऐसे में अगर भारत को T20 सीरीज को डिसाइडर में लेकर जाना है तो कुछ नवाबों की तरह खेल कर भी दिखाना होगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया दूसरा T20 मुकाबला जीत कर सीरीज बराबर करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।